नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आज क्राइम पड़ताल में बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें एक महिला 2 महीने तक करती रही अपने पति का कत्ल, जो देती थी धीमा जहर। इस जहर से आदमी को मरने में लगते हैं 2 महीने। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में कमलकांत शाह का परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी काजल शाह, उनके 2 बच्चे, कमलकांत शाह की मां भी रहती थी। लेकिन कमलकांत शाह की मां की अगस्त में मौत हो गई थी, वो भी उनके पेट में दर्द होने की वजह से, और उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे। कमलकांत शाह एक बिजनेसमैन थे और गारमेंट्स का बिजनेस चलाते थे। कमलकांत शाह की मौत बड़ी ही प्लानिंग के साथ इनकी पत्नी के द्वारा की गई थी। कमलकांत शाह और इनकी पत्नी का कुछ सालों से विवाद चल रहा था, दोनों में काफी लड़ाई होती थी, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर पहले अपने मायके चली गई थी, लेकिन बाद में दोबारा अपने पति के घर लौट आई थी, जिसके बाद भी काजल और उसके पति के रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन अपने 2 बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपने पति के पास लौट आई थी, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और उन्हें माता पिता का प्यार मिल सके। लेकिन काजल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। काजल का घर लौटना एक साजिश के तहत था। बात है 24 अगस्त 2022 की, जब एक दिन कमलकांत शाह के पेट में काफी दर्द होने लगा, उन्हें उल्टियां होने लगी। पहले उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और दवाई ली, लेकिन आराम नहीं हुआ, उल्टी और दर्द लगातार बढ़ता गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां भी इलाज से आराम नहीं मिल रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट भी किए गए। जब डॉक्टरों ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखी तो उनके होश उड़ गए, डॉक्टरों को यकीन नहीं हो पा रहा था। कमलकांत शाह के ब्लड में मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई 100 गुना अधिक थी। पूरी जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना अधिक थी और थैलियम की मात्रा 365 गुना अधिक थी। सवाल यह भी था कि आखिर इनके शरीर में इतना खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम आया कैसे? एक आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक कैसे उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कमलकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि उसे इस मामले में कुछ भी पता नहीं। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसकी मां की मौत भी ठीक उसी तरह हुई है जैसे कि कमलकांत की हुई। कमलकांत की बहन कविता ने यह बताया कि जब उसका भाई अस्पताल में भर्ती था तो काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी वाला भाव बिल्कुल भी नहीं था। उसकी बहन ने यह भी बताया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी काजल उसके लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने में लग गई थी, जिसके बाद शक बढ़ गया कि कहीं कमलकांत का कत्ल पैसों के लिए तो नहीं किया गया। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने काजल की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि कमलकांत के बचपन के दोस्त हितेश जैन के साथ काजल की काफी बात होती थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकाली। पूछताछ में यह पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले शादी के बाद हितेश से काजल की मुलाकात हुई थी। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगी थी तो धीरे धीरे हितेश से इसकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए काफी समय से दोनों ने मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर प्लान किया जिससे मां और बेटे की मौत हो जाए और किसी को शक ना हो। ऐसे कत्ल करना चाहते थे कि पुलिस को कोई सबूत ना मिले, इसलिए आर्सेनिक और थैलियम के जरिए साइलेंट किलर का इस्तेमाल कर मर्डर करने का तरीका निकाला। हितेश ने बताया कि उसने इंटरनेट पर सर्च किया था कि ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिसे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी ना हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक थैलियम साइलेंट जहर है। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता। यदि इसे खाने और पीने की वस्तु के साथ मिला दिया जाए तो ना ही इसके कलर में कोई अंतर दिखेगा और ना ही स्वाद में इसका अंतर पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर में ये एक जहर का काम करेगा जिससे इंसान के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और उसकी मौत हो जाएगी। आर्सेनिक और थैलियम दोनों केमिकल देश में बैन हैं,
यानी इसे आसानी से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन कुछ शर्तों और लिखित जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने एक फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थेलियम दोनों मंगवाए थे। जब कमलकांत के शरीर में मिले दोनों केमिकल पर डॉक्टरों से राय ली गई तो डॉक्टरों ने भी यही बताया कि आर्सेनिक और थेलियम दोनों एक साइलेंट जहर है। अगर इनको खाने पीने की वस्तु में मिला दिया जाए तो ना ही किसी तरीके के रंग में अंतर आता है और ना ही स्वाद में, इसलिए इसका बॉडी में जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ये केमिकल आसानी से नहीं मिलता, कुछ ही कंपनियों के पास इसे खरीदने और बेचने का लाइसेंस है। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि हितेश और काजल दोनों पिछले 7 महीने से कमलकांत और उसकी मां को मारने की प्लानिंग में जुटे थे। इसी प्लानिंग के तहत काजल 15 जून को अपने पति के घर वापस लौटी थी और घर आने के बाद से ही काजल अपने पति और सास को ये साइलेंट जहर देना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कमलकांत को और उनकी मां को यह पता नहीं चला कि उनका मर्डर किया जा रहा है। धीरे धीरे उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे काजल ने अपनी सास की और अपने पति की हत्या की, वो भी धीमा जहर देकर। अन्य जानकारियों के लिए बने रहें आप N27 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।